सोलन शहर का फेस माने जाने वाले मॉल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क में अब गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। नगर निगम सोलन को बने आज 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर शहर में विकास कहीं देखने को नहीं मिल रहा। नगर निगम द्वारा सोलन चिल्ड्रन पार्क में लगाए झूले एक ही दिन में टूट गए थे। व्यापारी मुकेश गुप्ता का कहना है कि मॉल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क में अब गंदगी ही देखने को मिल रही है। पार्क में फूल नहीं, दारू की खाली बोतलें ही दिख रही है। मुकेश गुप्ता का कहना है कि पार्क बच्चों और वृद्ध लोगों के लिए होता है, परंतु पार्क में फैली गंदगी के कारण अब वहाँ बीमारी का खतरा बढ़ गया है। पार्क अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। मुकेश गुप्ता ने मीडिया के माध्यम से नगर निगम से अपील की है कि पार्क की स्थिति को सुधारा जाए। बहुत ही गंभीर चीज है। हमारे सोलन का दिल कहा जाने वाला जो एक चिल्ड्रन पार्क है, इसकी स्थिति को देखकर मैं बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि इस पार्क का हाल जो मैंने देखा वो इस तरह का है कि एक तो ये सिर्फ अब नाम को पार्क रह गया। अभी मैं पिछले दिनों इस पार्क में गया था। पार्क का मतलब होता है सुंदर फूलों से सजा हुआ पार्क हो, फूल लगे हुए हो, हरियाली हो, सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। लेकिन इस पार्क में मुझे ढूंढकर एक भी फूल नहीं मिला। जबकि आज से पहले जब हम इस पार्क में कभी जाया करते थे, मैं बहुत वर्षों से इस पार्क की दिशा को देख रहा हूँ। पहले हम जाते थे तो इसमें एक प्रॉपर माली होता था जो सारे फूलों की देखभाल करता था, आने जाने वाले लोगों के ऊपर भी ध्यान रखता था। लेकिन आज आलम यह है कि इस पार्क के अंदर में मुझे लगता है कि शराबिये ज़्यादा जाते हैं। वहाँ जगह जगह पर देखा जाए तो शराब की खाली बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, इस तरह की बोतलों का ढेर मिल जाएगा। और एक जो पार्क का एक हिस्सा है, वहाँ जो मैं कह सकता हूँ जो एक हमारा जो प्रेस का जो रूम है उसके नीचे की तरफ देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा चंक है जिसमें कि गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। अब उस पार्क में अगर कोई आदमी जाता है तो उसकी तरफ से आने वाली गंदी हवा, कीटाणु, मच्छर सारे उस पार्क में आ रहे हैं, तो उसका भी कोई उद्धार नहीं किया गया। तो इस पार्क का कुल मिलाकर मुझे तो लगता नहीं कि ये कहने को पार्क है, मगर पार्क जैसी इसमें कोई भी व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर किसी को नज़र आ रही है, और मैं तो नगर निगम से भी कहना चाहूँगा कि वहाँ के पे बैठे हुए जो हमारे मेयर, डिप्टी मेयर हैं, एक बारी पार्क में जाके देखें कि वहाँ पर कितने फूल लगे हुए हैं या कितना सुंदर हमारा पार्क दिख रहा है, कि ताकि बच्चे वहाँ पर जाकर ठंडी हवा ले सकें, अच्छी सांस ले सकें, या जो युवा है वो घूम सकें और अच्छी सांस ले सकें। ऐसा मुझे वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आया। नहीं, देखिए, जो भी मूर्तियाँ या कोई भी चीज़ जो पार्क के अंदर में लगी है उसको मेंटेन करना नगर निगम का काम होता है, और अब तो समुचित फंड भी नगर निगम को आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस जो सोलन का एक नामी पार्क है चिल्ड्रन पार्क, इसका अगर सौंदर्यीकरण नहीं किया जा रहा, तो मेरा मानना यह है कि इसमें तो इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा।